आइए सब लोग बैठो। भारत माता के, भारत माता के। भैया को बैठाइए। वंदे मातरम, भारत माता की जय। कर ले। वोट फॉर नेशन, वोट फॉर मोदी, इस नारा को लेते हुए 12 फरवरी को तमिलनाडु मदुरई में इस यात्रा शुरू हुई है और तमिलनाडु मदुरई से लेकर दिल्ली तक 21,000 किलोमीटर 65 दिन बुलेट मोटरसाइकिल में चला रही हूँ और मेरा एक ही संदेश है पूरा देशवासियों को, तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनना है। अगर हम अपना देश को विश्व पटल में देखना चाहेंगे, देश को समृद्ध बनाना चाहेंगे और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व जरूरी है और हमारा देश को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा एक अच्छा सच्चा देशभक्त नेता का अब हम जरूरत पड़ रही है, वो नेता को हमने नरेंद्र मोदी जी में देखे हैं। इसलिए वोट फॉर मोदी, वोट फॉर नेशन, इस नारा को लेते हुए ये 21,000 किलोमीटर में बुलेट बाइक चला रहे हैं। परेशानी भी कई हो रही होगी आपको? परेशानी मतलब क्लाइमेट चेंजेस है, कहीं ज़्यादा धूप है, कहीं ज़्यादा बारिश है और इस सबके आगे देश की समृद्धि के लिए तीसरी बार मोदी जी का नेतृत्व हमको ज़रूरत है। इसलिए ये 65 दिन देश के नाम से, मोदी के नाम से मैंने इस यात्रा को कर रही हूँ और तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड होते हुए आज भागलपुर में पहला दिन का प्रवास हमने पहुँचे हैं बिहार में। बिहार यूपी होते ही 18 अप्रैल को मतलब दिल्ली में पहुँचेगी और पहले दिन बिहार में बहुत अद्भुत स्वागत किया गया है कि चंदन ठाकुर जी का नेतृत्व में सारे BJYM के लोग, महिला मोर्चा के लोग, सब लोग बहुत अच्छे स्वागत करके हमको यहाँ रिसीव किए हैं और इसके बाद यहाँ से बेगूसराय जाएंगे। बिहार कैसा लगा आपको आगमन के बाद? बिहार बहुत अच्छा, पहले दिन ही बहुत पॉजिटिव लगा है और हमको लगता है इतना जोश बिहार में है तो हम पूरा देश को ये करते हैं कि 400 पार करना अब इस बार बहुत आसान है। साड़ी में ही निकल पड़ी हैं आप? साड़ी में ही निकल पड़ी है, साड़ी पहन जी कर। अब हम चाहते हैं कि महिला एक क्षति स्वरूपिणी है, महिला सशक्त करने के लिए हम बहुत कार्यक्रम कर चुके हैं और हमारा कल्चर, हमारा ट्रेडिशन, यही भारत का पहचान है, इसको हम कभी नहीं भूलना चाहिए और साड़ी में ऐसा कोई काम नहीं है कि हम नहीं कर सकते हैं। इसको हम साबित करने के लिए मैं 21,000 किलोमीटर साड़ी पहन के बुलेट चला रही हूँ। मोदी जी से मुलाकात भी हुई है आपकी, क्या कुछ कहे हैं मोदी जी? भारत के सारे कई कार्यक्रमों में जाने की वजह से मोदी जी ने हमसे मिले हैं और जब मोदी जी ने मिले हैं उनका पहला प्रश्न मेरे से ये था कि भारत को और क्या रिक्वायरमेंट है, लोगों का और क्या बात है, कोई ऐसा कमियां कई लोग समझ रहे हैं कि क्या करना चाहिए उनको। ऐसा एक नेता है कि जब भी उनके पास 5 मिनट मिलने का समय मिलता है उस समय में भी उन्होंने देश के बारे में, जनता के बारे में ही पूछताछ करते हैं और एक ऐसा एक नेतृत्व को पाने में हम सब सौभाग्यशाली समझते हैं। और मोदी जी एक नाम नहीं है और मोदी जी एक पद नहीं है, मोदी जी एक यरा है, तो हम सब मोदी यरा में हैं, इसलिए हम सबको गर्व महसूस करना चाहिए।